की ताजा खबरें, हनी ट्रैप आरोपी महिला ने काटी कलाई, पुलिस पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। मध्य प्रदेश के चर्चित हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग रैकेट चलाने के मामले में पकड़ी गई पांच में से एक आरोपी महिला द्वारा पुलिस हिरासत में कांच से कलाई काट लेने का मामला सामने आया है। पीड़िता के वकील ने पुलिस की प्रताड़ना से तंग अपनी मुवक्किल द्वारा यह कदम उठाने का आरोप लगाया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। गोंदिया में नवरात्रोत्सव की धूम। गोंदिया शहर व जिले में सार्वजनिक दुर्गा उत्सव मंडलों द्वारा माँ दुर्गा की आकर्षक प्रतिमा प्रस्तावित की गयी है। इसके साथ झांकियों की प्रस्तुति की गई है। नवरात्र पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मां दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। गोंदिया के महारानी के नाम से प्रसिद्ध किशोर इंगड़े चौक सिविल लाइन सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति द्वारा विगत 51 वर्षों से मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित की जा रही है। कहा जा रहा है कि मुंबई, पुणे, नागपुर के साथ ही मध्य प्रदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर वे माता रानी के चरणों में 2.5 किलो के चांदी का छत्र एवं चांदी की चरण पादुका, 11 तोले का और सोने का हार अब तक अर्पित किया गया है। आतंक से मिलकर लड़ेंगे भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश ने आतंक को कतई बर्दाश्त नहीं करने का संकल्प दोहराते हुए शनिवार को कहा कि दोनों देश मिलकर आतंकवाद, उग्रवाद और संगठित अपराध का मुकाबला करेंगे। दोनों देशों ने कहा कि आतंकवाद उनके देश और पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा है। समुद्र तटीय सुरक्षा को आगे बढ़ाते हुए यह निश्चित किया गया है कि भारत बांग्लादेश में तटीय निगरानी रडार प्रणाली स्थापित करेगा। देवरी आमगांव मार्ग पर अंजोरा में एसटी बस पलटी, 50 से ज्यादा घायल। आमगांव थाना अंतर्गत 5 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे देवरी से आमगांव की ओर जाने वाली बस एसटी क्रमांक MH07C9097 बस अंजोरा से बोरकनहार के बीच में पलट गई, जहां 50 से अधिक यात्री बस में सफर कर रहे थे। बस पलटने से यात्रियों को काफी चोटें आई हुई हैं। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद आप देखिए मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर खबरें भी देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।